अभिनेत्री सुनीता बनी ईशा कोप्पिकर आगामी वेब सीरीज लवली द ढाबा में पंजाब की एक सिखनी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। इस वेब सीरीज में ईशा एक शहीद की विधवा का किरदार निभाती दिखेंगी, जो अपने ढाबे के माध्यम से अपने दिवंगत पति की परंपरा को आगे बढ़ाती है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए ईशा का कहना था, खास करके लवली का जो कैरेक्टर है मुझे बहुत ही लवली लगा। ये ऐसा एक कैरेक्टर है जो फर्स्ट ऑफ ऑल लवली ऐसी इंसान है, सेवा भाव से वो अपना ढाबा चलाती है, पैसे कमाने के लिए नहीं चलाती। और उसकी एक प्रिंसिपल है, उसका एक ये है कि ढाबे में जो भी आए वो भले उसके पास पैसे हो या नहीं हो, खाली पेट नहीं जाए। और आई वुड से शी इज़ लाइक अ फीमेल मुन्ना भाई। जो भी आता है वहाँ पे, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, और बहुत ही बखूबी से सरल और सिंपल तरीके से लवली उसको उसका एक उपाय ढूंढ लेती है विदाउट हर्टिंग एनीबडी। तो ये जो एक क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी, विच रियली टच्ड माई हार्ट। विच आई फील हम हर एक इंसान में एक लवली होनी चाहिए जो हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। और ये भी एक रीज़न था जो मुझे विच काइंड ऑफ अट्रैक्टेड मी टू द स्क्रिप्ट। इस सीरीज में 6 एपिसोड होंगे जिसकी शूटिंग पंजाब के बाहरी इलाकों में की गई है। केनी छाबड़ा द्वारा निर्देशित और विशाल पाटिल, अभिषेक मजूमदार और सुरेश अच्छन द्वारा निर्मित लवली द ढाबा 30 सितंबर को जैमपैक्स में रिलीज की जाएगी। लवली द ढाबा के अलावा ईशा फिक्सर नाम की एक अन्य वेब सीरीज में भी दिखाई देंगी। फिक्सर 7 अक्टूबर को ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम होगी। फिक्सर में ईशा सब इंस्पेक्टर जयंती जावड़ेकर का किरदार निभाती दिखेंगी, जो अपने बेटे और पति के साथ एक मामूली घर में रहती है। इस बारे में बात करते हुए उनका कहना था, बालाजी के साथ बहुत सालों बाद और एक कॉप करने का मौका मिला है मुझे प्ले करने का, वो भी मेरा रोल जो क्या खुले हम में था, लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। उसमें मैं उर्मिला मारतोड़ करती, इसमें मैं जयंती जावड़ेकर हूँ। ईशा पिंजर डॉन क्या कूल है हम और एक विवाह ऐसा भी जैसी कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, और इस साल की शुरुआत में वह भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुई हैं। INS रिपोर्ट।